बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो का मौजू है यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर 3 दिनों में हासिल करना मुमकिन है। हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर इन 3 डेज, इट इज़ पॉसिबल। ये आज का हमारा मौजू है, इस मौजू पर बात करते हैं और खुल कर बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब और बेल का बटन दबाएं, क्योंकि ऑनलाइन वर्क फॉर यू, ऑनलाइन वर्क फॉर इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारा ये मोटो है। इंशाल्लाह हम आइंदा भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियोस बनाएंगे। यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर 3 दिनों में हासिल करना मुमकिन है, क्या ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिनात में से हो सकता है कि 1000 सब्सक्राइबर 3 दिनों में हासिल करें? कभी आपने सोचा है कि हम 1000 सब्सक्राइबर 3 दिन में ही हासिल करें? कभी आपने गौर भी किया? कभी आपने अपने जहन में ये तसव्वुर भी बिठाया कि मैं 3 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर हासिल करूँगा? क्या आपने तसव्वुर किया? क्या आपने इमेजिनेशन किया कि 3 दिनों में मैं 1000 सब्सक्राइबर हासिल कर पाऊंगा या नहीं? ज़्यादातर लोग होते हैं वो यूट्यूब पर काम करते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं, यूट्यूब पर काम करते करते थक जाते हैं। थक जाने के बाद वो यूट्यूब पर वीडियोस बनाना ही छोड़ देते हैं। छोड़ जाने के बाद फिर उनकी उनमें एक उमंग दौड़ती है, उनमें एक जोश फिर आती है और वो उस जोश के ज़रिए फिर आते हैं यूट्यूब पर। देखते हैं हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, हमारी एक वीडियो वायरल हो चुकी है और उसके बाद वीडियोस बनाते हैं, लेकिन वो मोमेंटम नहीं बना पाते जो शुरू के दिनों में था। जो शुरू के दिनों में था वो मोमेंटम नहीं बना पाते, क्योंकि वो उजलत में थे, क्योंकि वो जल्दी में थे। जल्दी का काम शैतान का काम है, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे यहाँ हमारे पास सब्सक्राइबर आए, वॉच टाइम बढ़े। यकीनी तौर पर हर इंसान की ख्वाहिश है कि 3 दिनों में या 1 दिन में हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर भी आए और 4000 वॉच हावर भी आ जाए। ये नामुमकिन बात है कि 1 दिन में 1000 सब्सक्राइबर आएंगे या 3 दिन में 1000 सब्सक्राइबर आएंगे। हाँ, आप कोई बड़े फिल्म स्टार हो, आप कोई बड़े क्रिकेट प्लेयर हो, आप कोई बड़े कबड्डी के प्लेयर हो या किसी और चीज़ के, या आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी आपका सोशल जो कि बॉन्डिंग है वो मजबूत है, तो आप 1000 एक दिन में मुकम्मल कर सकते हैं। वो तो कोई बात नहीं है, बात मैं कर रहा हूँ मुझ जैसे और आप जैसे क्रिएटर की, जिनके पास फॉलोअर नहीं होता, उनकी बात कर रहा हूँ। उनकी बात क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि वही लोग आते हैं जिनमें क्रिएटिविटी होती है, वो यूट्यूब पर आते हैं, क्रिएटिविटी दिखाते हैं, क्रिएटिविटी का मज़हर बनते हैं, तख्लीकारी करते हैं, फिल्म साजी करते हैं, वीडियो बनाते हैं। वो फेसबुक पर आकर भी वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूब पर भी, चाहे वो फेसबुक को चाहे यूट्यूब हो। एक पेज और यूट्यूब को कामयाब बनाने के लिए आपको अनथक मेहनत की ज़रूरत तो होती है, ये कोई बात नहीं है कि हम मेहनत ना करें, मेहनत करनी पड़ती है तभी हमारे पास सब्सक्राइबर आएंगे। अगर आप अपने पास किसी
वाच करने वाले को, यानी जो आपको देख रहा है, जो आपका सामीन है, जो आपका नाजरीन है, उसको ठहराते हैं अपने वीडियो पर, तो आपका वाच टाइम कंप्लीट होगा और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। आपका कमाल क्या होना चाहिए? आपका कमाल होना चाहिए आपके पास कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होंगे तो आप कामयाब होंगे। ना थंबनेल बनाने की बात कर रहा हूँ, ना टाइटल बताने की बात कर रहा हूँ, बल्कि अंदर भी कुछ चीज़ हो। टाइटल तो मैं बनाऊँगा लेकिन अंदर कोई चीज़ हो, थंबनेल तो मैं बनाऊँगा अंदर कोई चीज़ हो। अंदर कोई चीज़ नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगी तो आप वायरल कैसे होंगे, तो आपकी वीडियो कैसे वायरल होगी, ये एक सवालिया निशान है। ये मैं तो बता रहा हूँ आपको कि आपके पास वीडियो भी अच्छी बनी है लेकिन उसमें मवाद नहीं है, उसमें बताने के लिए कुछ नहीं है, थंबनेल भी अच्छा है, टाइटल भी अच्छा है, तो आप 3 दिन में कैसे कामयाब हो सकते हैं? आप 3 दिन में कैसे कामयाब हो सकते हैं? कामयाबी का राज फक्त मेहनत में है। मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। कामयाब वही होंगे जो मेहनत करेंगे, जो क्रिएटिविटी का मजहर बनेंगे, जो तख्लीककारी करेंगे, जो जान पर खेल कर काम करेंगे। यहाँ जान पर भी खेलना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, नास टेली नामी एक फेसबुक पेज है, उसने तकरीबन 3-4 महीने तक इंतज़ार किया कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, यानी वहाँ होता है फॉलोअर, पेज के फॉलोअर फेसबुक पर नहीं बढ़े थे, तो उसने आखिरकार सोचा कि मैं इसे बंद करता हूँ, फजूल का काम कर रहा हूँ। उसने दुनिया भर की सैर व सियाहत की, दुनिया भर के ममालिक में घूमे, दुनिया भर में गए, जहाँ जहाँ गए और वहाँ की वीडियो ली। कहता था मैं आखिरकार थक गया और मैंने कहा इस काम को ही छोड़ देते हैं, इसमें वो खसालत है, इसमें खुजालत है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या खराबियां हैं, फिर भी मैं वायरल नहीं हो रहा हूँ। इंसान को वायरल होने के लिए तो मेहनत करना पड़ता है, इंसान को फेम हासिल करने के लिए तो कुछ करना पड़ता है। उसने अब उसके लाइक मिलियंस में हैं उसके पेज के, वो 2019 में बना मेरे ख्याल में वो पेज, अब उसके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं। कामयाबी 1-2 दिन में नहीं मिलती, कामयाबी आहिस्ता आहिस्ता मिलती है। कामयाबी और कामरानी 1 दिन के काम करने से नहीं मिलता। अगर 1 दिन के काम करने से मिलता तो 1 से लेकर 10 तक हम क्यों पढ़ रहे हैं, मैट्रिक क्यों कर रहे हैं, मिडिल क्यों कर रहे हैं, पहली दूसरी तीसरी क्यों कर रहे हैं, हम इन स्टेजेस को क्यों अबूर कर रहे हैं, हम MA क्यों कर रहे हैं, मैं हम डॉक्टर होने के लिए क्यों SSC करते हैं, डायरेक्ट डॉक्टर हो जाते हैं। इसी तरह YouTube की दुनिया में भी आपको कामयाब होने के लिए मेहनत की ज़रूरत है, वीडियोस बनाने पड़ते हैं। हाँ, वीडियोस दिखाने वालों के लिए, वीडियोस जिनको हम दिखाना चाहते हैं, उन्हें हमें एक मवाद पेश करना चाहिए। अगर वो मवाद मालूमाती हुआ, उस मवाद में इंफॉर्मेशन हुआ, उस मवाद में कोई बात हुई, उस मवाद में कोई जान हुआ, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो चैनल है वो ग्रो करेगा, लोग आएंगे, लोग देखेंगे। शुरू में तो हमें अपने चैनल की तशहीर करनी होगी। ये बात नहीं है कि हम YouTube पर आ जाएं और उसकी तशहीर ना करें, तशहीर तो करनी होगी, बस हमें छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे, तभी हम कामयाब होंगे, तभी हम आगे जा सकेंगे। ये डिजिटल वर्ल्ड है, ये वो वर्ल्ड है जिसमें हम कामयाबी के लिए एक वीडियो के वायरल होने का इंतज़ार करते हैं। वो वीडियो कौन सी होगी,
उसका हमें पता नहीं है, लेकिन कामयाबी तब ही मिलेगी जब हम वीडियो बनाते रहेंगे। ताकि हमें कामयाबी ना मिले, हम वीडियो बनाते रहें। मेरे आज के इस वीडियो का मकसद ये था कि ये नामुमकिनात में से है कि हम 3 दिन में, एक ने तो लिखा था हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर इन 1 आवर, एक ने लिखा था उस पर तकरीबन मैंने देखा 3-4 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसका वीडियो देख लिया था। उसने कहा एक घंटे का खा, लोगों ने 1 घंटे वाला देखा, लोगों ने देखा कि देखते हैं वो कह क्या रहा है। उसने लोगों को अपने वीडियो पर ठहराया। उसने वीडियो पर कैसे ठहराया? उसने कहा मैं ना आपको थंबनेल का कहूँगा, मैं ना आपको टाइटल का कहूँगा, मैं ना ये कहूँगा, मैं ना वो कहूँगा, मेरी जो ये चैनल है, मेरी वो चैनल है, मैंने ये कैसे ग्रो किया, मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ। उसने किस्सा सुनाते सुनाते आखिर में कहा कि अपने वीडियो पर ठहराना सीखें। आखिर में उसने कहा ठहराना ही वीडियो पर सीखें कि लोगों को कैसे अपनी वीडियो पर ठहराना है, लोगों को कैसे अपनी वीडियो पर लाना है। उसी बात पर उसने लोगों को कायल करने की कोशिश की कि वो उसके वीडियो पर ठहरें। लोग ठहरे रहे और 4-5 लाख लोगों ने देख भी लिया। ये है कि आपके पास कम्युनिकेशन हो, आपके पास थंबनेल, टाइटल, ये सब कुछ दुरुस्त हों और मुस्तकिल मिजाज हों। अगर मुस्तकिल मिजाज नहीं होंगे तो कामयाब नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात मुस्तकिल मिजाज ही है। मुस्तकिल मिजाज होंगे तो कामयाब होंगे, तो साल भर में कामयाबी के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। इंशाल्लाह आप साल से पहले भी कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ काम करना है, काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। दुनिया में हर जगह एक अमल का रद्द अमल होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा न्यूटन का कानून के हर अमल का रद्द अमल होता है। अगर आप अमल करेंगे तो उसका रद्द अमल आपको मिलेगा, उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, उसका समर आपको मिलेगा। तो इसलिए आप वीडियो बनाएं, आप थंबनेल अच्छा बनाएं, आप हर काम करें जो एक वीडियो के बनाने के लिए आपका हक है, आपका इस्तेहकाक है, आप उसे बनाएं, आप अपने फ़र्ज को पूरा करें, तो इंशाल्लाह आगे आप अपने आप को ग्रो कर सकेंगे। इसके साथ ही वीडियो का टाइम ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे।